हाय फ्रेंड्स, आराध्या की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ मसूर की दाल और चावल से बहुत ही टेस्टी हेल्दी नाश्ता। इसको आप सुबह या शाम किसी भी टाइम फटाफट से बना के खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कप ये छिलके वाली मसूर की दाल ली है, आपके पास जो भी दाल हो आप वो ले सकते हैं। और दो कप मैं यहाँ पे इसमें लूँगी चावल। इसको अच्छे से एक से दो बार हम धो लेंगे। तो देखिए, मैंने इसको बढ़िया से धो लिया है। अब इसको हम भीगने के लिए रख देंगे। तो इसको हम रात भर के लिए भीगने के लिए रख रहे हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको 4 से 5 घंटे के लिए गर्म पानी में भीगने के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको रात भर भीगने के बाद देखिए ये अच्छे से फूल गया है। अब इसका पानी हम निकाल लेंगे और इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ मैंने मिक्सी का जार ले लिया है और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके पीस लेंगे, और कम से कम पानी का यूज करके हम इसको पीसेंगे। तो देखिए, मैंने इसको पीस लिया है। देखिए, एकदम बढ़िया सा इसका पेस्ट बन के तैयार हो गया है ये। इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। ऐसे ही हम बाकी वाली दाल भी जो है वो भी पीस लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी दाल पीस के तैयार कर ली है। अब यहाँ मैंने दूसरा एक मिक्सी का जार ले लिया है। तो यहाँ थोड़ी सी मैंने ली है धनिया की पत्ती, और ये 3-4 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अदरक लिया है, और ये 6-7 लहसुन की कलियाँ, और एक नींबू का रस। लहसुन अगर आप नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और इसको हम बढ़िया से पीस लेते हैं। अब तो यहाँ पे मैंने इसको पीस लिया है, और इसको हम इस बैटर में अपने डाल देंगे और अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसमें पानी डाला है। तो बढ़िया से मैंने इसको यहाँ पे मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ही लाल मिर्च, और नमक स्वाद अनुसार इसमें मैंने डाल दिया है। तो अगर आप चाहें तो मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा मसाले इसमें कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। और इसको मैंने अच्छे से ये मिक्स कर दिया है। अब तो इसको भी मैं रखती हूँ साइड में। और यहाँ मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं, और अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच टेबल स्पून से मेयोनीज डाल रही हूँ मैं इसमें, और 2 टेबल स्पून ही इसमें टोमेटो सॉस, और 2 चम्मच ही मैंने इसमें डाला है रेड चिली सॉस। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक बार नई रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। अंदर से एकदम खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है और बहुत अच्छी लगती है, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। तो यहाँ देखिए, मैंने इसको अच्छे से ये मिक्स कर दिया है। अब जो हमने बैटर बनाया था उसमें हम 1 पाउच मैंने ये पूरा इनो का इसमें डाला है। तो इनो डालने के बाद हम इसको ज़्यादा देर तक रखेंगे नहीं, लास्ट में ही इनो डालेंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिए, इसको बढ़िया से मिक्स कर देते हैं। और यहाँ मैंने ये 4 कटोरियाँ ली हैं, और इसको मैंने बढ़िया से तेल लगा के इसको ग्रीस कर दिया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा बैटर डालेंगे, और अब बीच में हम ये डाल देंगे आलू वाला जो हमने मसाला बनाया था, ये हम इसमें लगा देंगे। और ऊपर से फिर से हम ये दाल वाला बैटर लगा के इसको अच्छे से कवर कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सारा लगा दिया है, और यहाँ पे पानी उबालने के लिए मैंने पहले ही चढ़ा दिया था। पानी में अच्छा उबाल आ गया है, तो सारी कटोरियाँ हम इसमें लगा देंगे, और 10 से 15 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच पे हम पका लेंगे। और यहाँ पे ये छोटी छोटी कटोरियों में मैंने लगा दिया है, और इसमें मैंने आलू नहीं डाला है। और ये 10-15 मिनट पकने के बाद हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये एकदम बढ़िया से पक चुका है, एकदम ये क्लीन निकल रहा है स्टिक इसमें से। तो इसको अब हम ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद हम कटोरी में से बाहर निकालेंगे, और यहाँ पे बाकी के हम ऐसे ही पका लेते हैं।
तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से ठंडा करने के बाद इसको सब कटोरी से बाहर निकाल लिया है और कितना बढ़िया बना है एकदम। देखिए कितना जालीदार, बहुत ही स्पंजी बना है ये। और तो जो छोटे वाले थे वो भी देखिए ये बन गए हैं और बहुत ही बढ़िया बना है ये भी, एकदम सॉफ्ट एकदम स्पंजी देखिए। और अब इसमें हम लगा लेते हैं फटाफट से तड़का, इनको हम फ्राई करेंगे। तो तेल मैंने यहाँ पे गरम होने के लिए चढ़ा दिया है और थोड़ा सा डाला है राई और थोड़ी सी सफ़ेद तिल, और ये मैंने थोड़ा सा हरी मिर्च डाल दी है यहाँ पे, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ करी पत्ता और धनिया पत्ता डाला है मैंने। और अब इसमें हम बढ़िया से इनको फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इनको ऐसे भी खा सकते हैं और फ्राई करके और ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए इस तरह से इसको उलट पलट के हम बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये बढ़िया से फ्राई हो गया है, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ अब। तो यहाँ पे मैंने ये फ्राई करके निकाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप लोग भी एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है टेस्ट इसका उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।